सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों, आज हम हमारा कविता मौसम के रंग का अभ्यास देख पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आप कक्षा कार्य तारीख और दिन लिख लीजिए। शब्द ज्ञान, भाए, भाए मतलब अच्छी लगती, भाए मतलब अच्छी लगती। वर्षा मतलब बरसात या बारिश, वर्षा मतलब बरसात या बारिश। मेघ मतलब बादल, मेघ मतलब बादल। ताप मतलब गर्माहट, ताप मतलब गर्माहट। चैन मतलब सुख, चैन मतलब सुख। ऋतु मतलब मौसम, ऋतु मतलब मौसम। सजना मतलब सुंदर लगना, सजना मतलब सुंदर लगना। हर्षाई मतलब खुश करे, हर्षाई मतलब खुश करे। निस्दिन मतलब रात दिन, निस्दिन मतलब रात दिन। ढंग मतलब तरीका, ढंग मतलब तरीका। मौखिक प्रश्न उत्तर बताइए। क, गर्मी का मौसम किस फल की बहार लाता है? क, गर्मी का मौसम किस फल की बहार लाता है? उत्तर, गर्मी का मौसम आम फल की बहार लाता है। आपको कैसा लिखना है? पूरा लिखना है। गर्मी का मौसम किस फल की बहार लाता है बताएं? गर्मी का मौसम आम फल की बहार लाता है। प्रश्न ख, बादलों की गड़गड़ सुनकर मोर क्या करता है? बादलों की गड़गड़ सुनकर मोर नाचता है। क्या करता है? क्या की जगह आपको क्या लिखना है? नाचता है। क्या करता है की जगह किसके जगह? आम। प्रश्न क्रमांक ग, सर्दी में हम क्या ओढ़कर चैन पाते हैं? सर्दी में हम क्या ओढ़कर चैन पाते हैं? सर्दी में हम रजाई ओढ़कर चैन पाते हैं। सर्दी में हम रजाई ओढ़कर चैन पाते हैं। लिखित उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक क, सर्दी आने पर किसका ताप घट जाता है? सर्दी आने पर किसका ताप घट जाता है? सर्दी आने पर सूरज का, किसका? सूरज का ताप घट जाता है। सर्दी आने पर सूरज का ताप घट जाता है। प्रश्न क्रमांक, कौन सी ऋतु आने पर धरती सज जाती है? कौन सी ऋतु आने पर धरती सज जाती है? वसंत ऋतु आने पर धरती सज जाती है। कौन से ऋतु आने पर? वसंत ऋतु आने पर धरती सज जाती है। प्रश्न क्रमांक, प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति हमें जीने का नया ढंग सिखाती है। प्रकृति हमें क्या सिखाती है? प्रकृति हमें निस्दिन जीने का नया ढंग सिखाती है। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे लिखे वाक्य पढ़कर उचित मौसम से मिलान कीजिए। छाता लेकर निकलते हैं। छाता लेकर हम कब निकलते हैं? जब वर्षा होती है। कब निकलते हैं? जब वर्षा होती है। गाजर का हलवा खाते हैं। गाजर का हलवा खाते हैं। सर्दियों के मौसम में कौन से सब्जी की बहार ज़्यादा होती है? गाजर की। तो सारी सब्जियों की होती है, पर गाजर भी सर्दियों के मौसम में मिलते हैं। तो किस फल की बहार होती है? गाजर के हलवे की। गाजर का हलवा सर्दी के मौसम में खाते हैं। शरबत पीते हैं। गर्मियों के मौसम में ठंडी चीज़ें मन को बहुत भाती है, तो हम शरबत कब पीते हैं? ठंडा ठंडा शरबत गर्मी के मौसम में। गरम कपड़े पहनते हैं। गरम कपड़े आप कब पहनते हो?
सर्दी में, कब पहनते हो? सर्दी में, तो यहाँ से मिलान कीजिए ऐसा। बादल गरजते हैं, बादल कब गरजते हैं? अभी हमारा वर्षा ऋतु शुरू है तो बादल कब गरजते हैं? वर्षा में। तेज धूप निकलती है गर्मी में, तेज धूप निकलती है गर्मी में, आपको मिलान करना है। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क, वर्षा आने के बाद रिक्त स्थान आती है। वर्षा जाने के बाद रिक्त स्थान आती है। वर्षा जाने के बाद क्या आती है? सर्दी। क्या आती है? सर्दी। तो यहाँ आप लिखे, वर्षा जाने के बाद सर्दी आती है। ख, आम में रिक्त स्थान होती है। आम में क्या होती है? मिठास। आम में क्या होती है? मिठास। यहाँ लिखे आप मिठास। आम में मिठास होती है। वसंत ऋतु में रिक्त स्थान लहलहाने लगती है। वसंत ऋतु में क्या लहलहाने लगती है? सरसों लहलहाने लगती है। गर्मी के जाते ही रिक्त स्थान आती है। गर्मी के जाते ही वर्षा आती है। यहाँ लिखो, गर्मी के जाते ही वर्षा आती है। प्रश्न क्रमांक चौथा, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। गर्मी जाए वर्षा आए, मेघों को भी साथ में लाए, बादल करते घर घर शोर, देखो बागों में नाचे मोर। लिखे यहाँ पे, गर्मी जाए वर्षा आए, मेघों को भी साथ में लाए, बादल करते घर घर शोर, देखो बागों में नाचे मोर। भाषा का ज्ञान मतलब ग्रामर। प्रश्न क्रमांक पहला, नीचे लिखे शब्दों में उचित समानार्थी शब्द से मिलाइए। बादल समानार्थी शब्द है मेघ। बादल का समानार्थी शब्द है मेघ। बादल मेघ। मोर मयूर। मोर को मयूर भी कहा जाता है। मोर मयूर। बादल को मेघ भी कहा जाता है, बादल भी कहा जाता है। मोर को मयूर भी कहा जाता है, मोर भी कहा जाता है। ऋतु को मौसम भी कहते हैं, ऋतु भी कहते हैं। धरती पृथ्वी। धरती पृथ्वी। खूब बहुत। फूल पुष्प। प्रश्न क्रमांक दूसरा, नीचे लिखे संयुक्त व्यंजन से शब्द बनाइए। त्य नित्य, सत्य प्य प्यास, प्याज प्राप च स्वच्छ, अच्छा स्वच्छ और अच्छा। बिंदु जोड़कर चित्र पूरा कीजिए और रंग भरिए। ये आपका गृह कार्य है और ये भी आपका गृह कार्य है। आपको इसमें क्या करना है, सर्दी गर्मी और बरसात के मौसम में हम जो चीज़ें काम में लाते हैं उन चित्र बनाइए या चिपकाइए। सर्दी के मौसम में हम कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं? मफलर यूज़ करते हैं, स्वेटर यूज़ करते हैं। गर्मी के मौसम में हम शरबत पीते हैं, आइसक्रीम खाते हैं। बरसात में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का आपको या चित्र बनाना है या चिपकाना है।